राखी जी क्या हुआ आपके साथ? आपके साथ क्या हुआ? मेरे को सुना खोपड़ी आज मेरा जो है ना दिमाग बहुत ज्यादा घुमा हुआ। छाप पीछे उधर चल। यस यस आप चलो ना। हेलो ये मेरा साथ में हम इधर आएंगे। इसका क्यों बज रहा है इतना? ये बस के रखा है। देखो कौन फोन कर रहा है, बात करो तो। नहीं करोगे ना? नो मैं नहीं उठाऊंगा अभी। बिल्कुल भी नहीं, मुझे करना ही नहीं। कि आज मेरा पूरा खिसका हुआ। क्यों खिसका हुआ तुम्हें पता है? क्यों? मेरे ड्राइवर ने फिर से नहीं कहीं चुप कुछ लेकर भागा नहीं है। अच्छा अच्छा। उसकी सेटिंग है पेट्रोल पंप वालों के साथ, जो गूगल है ना गूगल, गूगल ने पूरी सेटिंग की है पेट्रोल पंप वालों के साथ। मैं पेट्रोल भराने जाती हूँ, गूगल को कैसे मालूम? गूगल को कैसे मालूम मैं पेट्रोल भराने जाती हूँ? आप मुझे बताओ मेरा कसूर क्या है? अगर मैं तुम लोग को सब सच बता रही हूँ तो कसूर क्या है मेरा बताओ। गूगल वालों ने कोई चिप जो है मेरे बॉडी से ऊपर नीचे कहीं छुपा के रखा है। कौन सा चिप छुपा के रखा, उसको कैसे मालूम मैं पेट्रोल भराती हूँ बताओ? एक लीटर में मैं पेट्रोल पंप से मेरी जिम तक पहुंचती हूँ, लेकिन वहां से यहाँ पे आते आते 3 से 4 लीटर पेट्रोल खत्म हो जाता है। रीजन क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है आपकी, BMW है ना, वो तेल बहुत पीती है और उसमें इतना बड़ा इंसान बैठता है तो गाड़ी बहुत बड़ी है तो क्या हुआ? पेट्रोल तो पेट्रोल है ना। इन्होंने गूगल वालों ने पेट्रोल में मिलावट करी है और इन्होंने ना गूगल मैप ऐसे लगाया है कि पूरा ड्राइवर घुमा रहा है। यार ये क्या है बताओ, मैं कैसे? इसलिए मैं आज अंबानी नहीं बनी हूँ, मुकेश अंबानी और नीता अंबानी मैं बनी नहीं रही हूँ। पता तुमको क्यों? बिकॉज ये मेरे पूरे पैसे पेट्रोल में जा रहे और मुझे घुमाया जा रहा है। यहाँ मेरा दिमाग घुमाया, मेरी जिंदगी घुमी हुई है, मेरी जिंदगी के नहीं वो नहीं लगे हुए हैं घोड़े लगे हुए मेरी जिंदगी के। आप लोग को समझ में आ रहा है? तुम लोग छोड़ो तो फंसेगा ना, तो फिर तो याद रख ले। तो यू नो व्हाट, आप समझ रहे हो मुझ पे कितने मैं प्रॉब्लम्स में हूँ? किसी को समझ में आ रहा है मेरी प्रॉब्लम्स? क्या कुछ समझ रहे हैं? मोदी जी ये क्या हो रहा है? ये गूगल वालों ने मेरे बॉडी के अंदर है ना कोई तो चिप छिपा कर रखा है। मोदी जी ढूंढ के दिखाओ मुझे, कहाँ छुपाया मुझे पता नहीं है। ये जब भी मैं पेट्रोल पंप में जाती हूँ, मैं पेट्रोल भराती हूँ तो वहां पे ना गूगल वाले ना शुरू हो जाता है वहां पे उनका मैपिंग। और मैं ना टाइम पे पहुंच नहीं पाती हूँ, ना टाइम पे जिम पहुंच पाती हूँ, मेरा पेट्रोल पूरा खत्म हो जाता है। राकेश जी एक सवाल था आपसे जी। नुसरत भुट्टो जो है वो फंस गए थे इसराइल में, तो बड़ी मुश्किल से वो कल बाहर आए और वो कुछ सैड भी थे एयरपोर्ट पर। अच्छा नुसरत बलूचा इसराइल में फंस गई, तुमको बहुत चिंता है? वो तो मेरी दोस्त है, चलो बहुत अच्छी दोस्त है। और दूसरे जब फंसे तुमको उनकी चिंता नहीं है? तुम्हें पता 2000 आदमी यू नो फंसे नहीं है, निकल लिए यमराज के पास पागल। और एक मान नुसरत जो बलूचा वो इतनी हॉट है तो वो इसराइल गई क्यों? आज उसी की वजह से ये लड़ाइयां हुई है, नुसरत बलूचा की वजह से। वो इतनी हॉट है, तोप है तो उसी वो वहां पे गई और लड़ाइयां शुरू हो गई है। भाई क्यों गई नुसरत तुम वहां है? यहाँ पे ऐसे भी इंडिया झुलस रहा है तुम्हारी हॉटनेस से। एक तुम हॉटनेस हो और एक मैं ऊपर से नीचे तक हॉटनेस हूँ। ये देखो तुमको नहीं पता, ये देखो कितनी हॉट हूँ, ये देखो। नुसरत का वो छोटे छोटे वो कौन सा गाना है छोटे छोटे? तू किधर घुस रहा है तू किधर घुस रहा है? ये कैमरा लेके कहाँ घुस रहा है? अरे हेलो, तो क्या चिप ढूंढ रहा है क्या? इधर रखा है टमाटर छुपा रखा है। एक बात सुनो, ये बताओ मैं कहाँ थी? आप थी इजराइल के पास। इजराइल से आप आ रहे हो बॉम्बे? सुनो एंड ऑफ द डे इजराइली जीतेगा। फिलिस्तीन में अपने लोग तो नहीं है ना? नहीं। ये फिलिस्तीन आया कहाँ कहाँ पे आया? और फिलिस्तीन में कौन सी जाति के लोग रहते हैं? विदेशी है ना। मैं जाऊंगी इसराइल एक दिन, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है इसराइल। ये लड़ रहे हैं ना, क्यों लड़ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंडिया पे कभी कोई चढ़ाई नहीं करेगा।
क्योंकि इंडिया पे ऑलरेडी सब चढ़े हुए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी आपका नाम रहेगा। मैं तो मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ, और जब तक मोदी जी ना, दुनिया वालों तुमको पता आज हमारे इंडिया पे कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है, बिकॉज मोदी जी है ना प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद विदेश घूमते रहते, इसीलिए हमारे पे कोई चढ़ाई नहीं कर रहा, क्योंकि मोदी जी की ना चाणक्य बुद्धि बोलो कैसे कैसे सब प्राइम मिनिस्टर को जाके दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं कि प्लीज हमारे देश पर चढ़ाई मत करना, प्लीज हमारे देश पर चढ़ाई मत करना। तो मोदी जी चाणक्य बुद्धि है, उनको मालूम है कि हमारे पास हम रॉकेट तक पहुंच चुके हैं। आज मैं रॉकेट लग रही हूँ क्या? उड़ा देखिए इधर से। सुनो तो मैं ना, तो आज हमारे पास रॉकेट, आज हमारे पास तोप है हिंदुस्तान में, हमारे पास मिसाइल है, हमारे पास बारूचा है, नुसरत बारूचा है, हमारे पास सनी लियोनी है, हमारे पास राखी सावंत है। हम सबको एक एक रॉकेट में बांध के छोड़ दो, हम इंडिया के लिए जीत के आ जाएंगे। तेरा सवाल खत्म ही होता नहीं है। हाँ क्या छोटू? रणबीर कपूर और सनी लियोनी, टाइगर, ये बैटिंग आप क्या, तो मुझे नहीं मालूम। आप करते थे ना? नो कमेंट। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ, कौन फोन कर रहा है तेरे को? मेरे को तो नीता अंबानी और मुकेश अंबानी कॉल करते हैं मुझे। हेलो, मुझे इतना इनवाइट करते नीता अंबानी। बढ़िया बढ़िया, 5 मिनट में फोन करो भाई, रुको, तुम्हारा बजट तुम्हारे पास। यस यस, तुम्हें पता है नीता अंबानी मुकेश अंबानी मुझे इतने फोन करते, ईशा अंबानी इतना फोन करते, कम टू माय अवर फंक्शन राखी, प्लीज वेयर वेरी नाइस ब्रांड साड़ी ज्वेलरी और एक छोटा सा पर्स लटका के आओ, मेरे पास सारी ब्रांडिंग चीजें, इतना बुलाते मुझे। मैं तो कहती हूँ कि सॉरी आई डोंट हैव अ टाइम। क्यों, आप जाओ ना एक बार, कितने अच्छे लोग हैं वो लोग, जाओ। वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, अभी वो मुझे लोन दे रहे हैं, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी बहुत बड़ा लोन दे रहे हैं। मैंने उनको बना, मुझे डॉन बनना है, डॉन, तो डॉन बनना, तो मेरे को लोन चाहिए। सी यू सून, है ना, अंबानी फैमिली, अंबानी फैमिली, सी यू सून। और मैं एक्चुअली ना वर्ल्ड में हर जगह घूमती रहती हूँ, तो आई डोंट हैव अ टाइम आपके फंक्शनों में आने के लिए। मुझे समझ भी नहीं आता ये इतने सारे आर्टिस्ट सब लोग कैसे पहुँच जाते हैं, वो तो शूटिंग क्यों नहीं करते लोग, ये लोग इतने बिजी होने के बाद भी पहुँच जाते हैं, वाई? अच्छा उनके पास पैसा इसलिए पहुँचते क्या? छोटों ने बताया उनके पास बहुत पैसा है। नहीं नहीं, अच्छा सुनो, अच्छा मतलब जहाँ हनी है मनी है, नहीं नहीं जहाँ मनी है वही हनी है क्या? मतलब भौरा वहीं पे बैठता है जहाँ पे वो फ्लावर्स पे हनी रहता है, तो इसीलिए सब पहुँचते क्या? नीता अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, मैं आपके पैसे पे कभी नजर नहीं रखती, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आप इतने वर्ल्ड में आप नंबर वन पे आते हो अमीरी में, फिर भी आप सबको नमस्ते करके वेलकम करते हो, आप बहुत अच्छे हो। यस, डाउन टू अर्थ। हाँ मैं सोचती हूँ आपके साथ लंच या डिनर करूंगी, आप मेरा एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए। आपको टाइमिंग मेरे पास टाइम नहीं है, अमरी बिजली, जब मैं बोलूँ ना, जब बड़े बोलते हो तो बच्चे बात नहीं करते बीच में। हाँ मैं बड़ी हूँ और मैं बोल रही हूँ, तो तुम लोग बीच में पकौड़े अपने मत तला करो, पहले बता रही हूँ। Yes. अच्छी नहीं लग रही क्या आज मैं? अरे एकदम पूरा वो लग रहे हो क्या? सेंटा गिफ्ट दोस्तों। मैं सेंटा लग रही हूँ? लाल टोपी नहीं, अभी ठंड शुरू होने वाली है ना, तो मैंने कैप पहन के आई। ठंडी में मजा आता है, काहे का ठंडी में बाहर जैकेट पहन के निकलते हैं ना। मुझे ठंडी बिल्कुल नहीं, मुझे ठंडी ही पसंद है, मुझे मुझे बर्फ में जाना है, कनाडा में जाना है, और मुझे स्नो मैन बनना है। कश्मीर से भी कश्मीर, आपको भी नैनीताल आओ, नैनीताल आओ, नैनीताल पे बहुत ठंड रहती है, स्नोफॉल गिरता है, कुछ नहीं गिरता नैनीताल में, एक बर्फ का टुकड़ा भी गिरता नहीं है, उल्लू मत बना ऐसा बोलकर, नैनीताल बुला मत लोगों को, कुछ नहीं गिरता, कनाडा में गिरता है बर्फ। कनाडा मैं तो जा रही हूँ नियाग्रा फॉल, मेरे को जाना है, लेकिन कनाडा में अभी मैंने वीजा लगवाया कनाडा का, और वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई, फिर मैंने इसराइल, मेरे को जाना था इसराइल जाना था, तो वहाँ पे लड़ाइयाँ हो गई। एक मिनट आओ हम नाचे, कौन सा डांस करें? बोल बोलो बोलो, तू बता तो कौन सा डांस, कौन सा डांस अच्छा लगता है?
अभी कौन सा ट्रेंडिंग आया है? तुम लोग सालन होंगे, कुछ तैयारी करके आते नहीं है मेरे लिए?